we are very fortunate in the Bollywood to have a person like Javed Saab, who is a real dynamic person. And जो हमारे industry हो या Bollywood हो या बाकी कोई भी कोई हो, उनका हमेशा योगदान रहा है. And वो हमेशा वो देखते हैं कि जो भी कुछ हो उनकी तरफ से वो कर सकते हैं. और आज जो इनिशिएटिव जो हुआ है वो सिर्फ जावेद साहब की वजह से ही हुआ है. एंड आई थिंक वी ऑल बॉलीवुड इंडस्ट्री शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम फॉर अ पर्सन लाइक हिम कि वो शख्स हमारी इंडस्ट्री में है. ऐसे और दो चार लोग आ जाएंगे तो आई फील हम सबको जो रॉयल्टी का जो इशूज और प्रॉब्लम चल रही है विद द म्यूजिक कंपनीज एंड ऑल दैट थिंग सब सॉल्व हो जाएगा. बट डू यू थिंक लॉट नीड टू बी चेंज्ड क्योंकि काफी एफर्ट पुट करते हैं रॉयल्टी. अभी तो ये जावेद साहब आने के बाद तो इट्स बीन नॉट दैट लॉन्ग. अभी तो उनका इनिशिएटिव में भी इतना क्विक रिएक्शन जो हुआ है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो हम इतने सालों से रुके थे जो अब तक कुछ नहीं हुआ था, जावेद साहब के आने से इतनी जल्दी हो गई, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि जावेद साहब जैसे और भी कुछ लोग आ जाए जो जावेद साहब जैसे रहे, तो आई फील ये सब प्रॉब्लम आगे के लिए हमेशा सॉल्व हो जाएगा. एंड वी वुड बी लाइक द हॉलीवुड पीपल जो एक गाना बनाते हैं और वो मिलियंस ऑफ मिलियंस कमाते हैं, उसी तरह हम लोग हज़ारों लाखों कमाने के बाद भी जो रॉयल्टी आना चाहिए वो नहीं आती. आज भी कितने म्यूज़िक कंपोज़र है जो इतने दिग्गज लोग होने के बाद भी उनको वो बात नहीं मिल पाई ना रॉयल्टी मिल पाई. और जबकि आप हॉलीवुड में देखोगे तो एक गाने से दे बिकम मल्टी मिलियनर.